हेलो माय पीपल, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। सो इन टुडेज़ वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ टू कीप योर काजल लास्ट लॉन्ग। एंड दिस वीडियो इज स्पेशली डेडिकेटेड टू ऑल द गर्ल्स आउट देयर। एंड कुछ कुछ गर्ल्स को तो काजल लगाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। सो गाइस, दिस इज़ लाइक आई विल बी शेयरिंग सम 4 to 5 हैक्स जो एक्चुअली वर्क करते हैं, लाइक इट रियली वर्क्स बिकॉज आई एम अ काजल पर्सन। आई लव यू अप्लाइंग काजल, लाइक अगर पार्टी भी जाना है या नॉर्मल ऐसे इफ़ आई एम मूविंग आउट, आई इजली लव टू अप्लाई काजल। और जो भी हैक्स मैं दिखाऊंगी आपको, आई एम डूइंग दिस एंड आई सी द डिफरेंस गाइज, लाइक अ मेजर डिफरेंस आई एक्सपीरियंस। तो काजल तो लास्ट लॉन्ग करता ही है एंड वो स्मज भी नहीं होता, एंड दैट्स द best thing about this all hacks which I'll be sharing. So guys, those who haven't subscribed yet, so please subscribe to my channel, like, comment, share, please karna, comment karke batana ki aapko ye particular unique topic kaisa laga, and share please kar dena so that mera bhi help hoga. And those who need this, those who girls are like into kajal and all, jinko kajal lagana bahut pasand hai, they can definitely check this out. So without any further ado, let's start the video. ओके गाइस, द वेरी फर्स्ट थिंग विच आई डू इज़ बिफोर अप्लाइंग द काजल, आई डिप द क्लोथ दैट कॉटन पैड यू कैन से इन कोल्ड वाटर। मतलब कोल्ड वाटर में डिप करने से क्या होता है गाइस, इट रिड्यूसेस आई बैग, रिड्यूसेस ऑयल, जो भी एक्सेसिव ऑयल होता है हमारे आई के नीचे में वो भी रिड्यूस करता है, एंड इवन द डार्क सर्कल गाइज। तो आप ये भी कर सकते हो, और एल्स यू कैन ऑल्सो अप्लाई आइस क्यूब्स। मैंने प्रिफर इस कॉटन पैड्स को किया है जो मैंने कोल्ड वाटर में ऑलरेडी डिप किया है। सो यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट। एंड नाउ मूविंग टू द सेकेंड थिंग, दैट इज़ आई अप्लाई कंसीलर एंड बीबी क्रीम। मतलब दोनों में से आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हो गाइस, ऐसा कुछ नहीं है कि आप कुछ एक करो, बीबी या सीसी क्रीम कुछ भी, और उसको करके ना मसाज कर दो, इवनली उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। मैंने एक साइड में बीबी क्रीम लगा ली है, एक साइड में कंसीलर लगा लिया है। तो आप कुछ भी लगा लो, कोई डजेंट मेक मच डिफरेंस। आप कुछ भी लगाओगे ना तो वो एरिया को बहुत ही अच्छे से वो ब्लेंड कर देगा, तो स्मज होने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम रहता है। सो यू कैन डू दिस डेफिनेटली। ओके गाइज, जो थर्ड थिंग है दैट इज़ अप्लाइंग काजल इन द अपलाइन एंड डाउन लाइन, दैट जो वाटर लाइन है, एंड नॉट इन द इनर कॉर्नर्स एंड द आउटर कॉर्नर्स गाइज। मैंने वही किया, यू कैन सी मैंने अपलाइन में अप्लाई किया है, वाटर लाइन में अप्लाई किया है, बट मैंने इनर कॉर्नर्स एंड आउटर कॉर्नर पर नहीं किया है गाइज, बिकॉज आई विल बी डूइंग समथिंग एल्स सो दैट वो स्मज नहीं होगा। सो ऑलवेज रिमेंबर कि आप ऐसे ही लगा रहे हो तो वो स्मज होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। तो आप ऊपर में ऊपर वाली लाइन में लगा लो काजल, और नीचे वाली लाइन में लीविंग द इनर कॉर्नर एंड आउटर कॉर्नर। ओके गाइज, नाउ जंपिंग द फोर्थ हैक, दैट इज अप्लाइंग लाइनर इन द इनर कॉर्नर एंड अच्छे से डार्क करके अप्लाई करना। सो एज़ यू कैन सी मैंने इनर कॉर्नर पे और आउटर कॉर्नर पे और नीचे लाइन पे, मतलब जो काजल के नीचे लाइन है, एक परफेक्ट शेप मिल जाए काजल को, उसके लिए मैंने अप्लाई किया है लाइनर।
जो है आई लाइनर, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा पॉइंटेड सा आप आई लाइनर ले लो एंड उसको इवनली इनर कॉर्नर्स पे एंड आउटर कॉर्नर्स पे आप अप्लाई कर सकते हो एंड यू विल सी द अमेजिंग रिजल्ट। स्मज होने के कोई चांसेस ही नहीं रहेंगे क्योंकि आई लाइनर काजल को बहुत अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट कर लेगा, इट बिकम्स लाइक अ बाउंड्री, सो स्मज होने के चांसेस कुछ रहते ही नहीं हैं। एंड नाउ मूविंग टू द फाइनल जो हमारा है हैक और यू कैन से स्टेप जो भी हम लोग काजल लगाते हैं उसके लिए, वो है गाइज अप्लाइंग का कॉम्पैक्ट पाउडर और अ लूज पाउडर। थोड़ा कॉम्पैक्ट पाउडर लूज पाउडर अप्लाई करके उसको छोड़ दो गाइज, ठीक है। एंड थोड़ा छोड़ देने के बाद उसको थोड़ा सा ब्लेंड कर दो अच्छे से, सो डैट क्योंकि काजल एक क्रीमी चीज़ है, कॉम्पैक्ट एक पाउडरी चीज़ है, तो जब वो एक अच्छा बेस मिल जाता है गाइज ना, तो स्मज होने के कोई 100% चांस रहते ही नहीं है, स्मज होगा ही नहीं गाइज। मेक श्योर कि आप अच्छे से उसको लूज पाउडर को अपने अंडर आई एरिया में लगा रहे हो और अच्छे से ब्लेंड कर रहे हो एंड यू आर गोइंग टू सी दीज अमेजिंग रिजल्ट फॉर श्योर गाइज। ओके गाइज दैट्स प्रिटी मच इट फॉर टुडेज वीडियो, आई होप यू लाइक इट। जो भी हैक्स वगैरह हैं लाइक बहुत जनरल है, जब हम लोग काजल लगाते हैं या मेकअप करते हैं तो हम लोगों को ये सब चीज़ की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, मतलब ये नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा कुछ चीज़ें आपको चाहिए है, ये सब तो आप यूज़ करते ही हो जब आप मेकअप करते हो। तो डेफिनेटली यू कैन चेक आउट दीज 4 to 5 हैक्स विच आर लाइक सुपर डुपर ईजी एंड गुड टू गो थिंग्स। लाइक आपको अगर ज़रूरत है काजल भी अगर आप लगा रहे हो, लाइक इफ़ यू आर गोइंग टू पार्टी वगैरह, तो यू कैन डेफिनेटली डू दीज स्टेप्स। अगर आपको ऐसे नॉर्मल काजल लगाना है फॉर सम एंड फ्यू आवर्स, तो अगर आप नहीं कर रहे हो यू कैन स्किप दिस प्रोसेसेस जो भी हैं 2-3 हैक्स वगैरह। बट अगर यू आर गोइंग फॉर लाइक अ पार्टी वगैरह थिंग्स एंड कुछ भी अगर वैसा है, तो यू कैन डेफिनेटली चेक आउट दिस। जो सबसे पहला है ना गाइज, व्हेन यू आर यूजिंग अ कूल लाइक अ पैड वेयर द पैड इज़ कूल, मतलब उसको आपको ठंडे पानी में रखना है, वो जो लाइक आई यूज दिस कॉटन पैड्स जो आते हैं फॉर रिमूविंग मेकअप, ये तो उस पैड को मैं एक्चुअली गीला कर लेती हूँ और कोल्ड वाटर पर डिप कर लेती हूँ, या तो फिर यू कैन ऑल्सो यूज़ आइस क्यूब्स, बट आई प्रिफर डूइंग दिस। मतलब ये अगर मैं ऐसे से कर लेती हूँ, जो भी मेरा एक्सेसिव ऑयल है या फिर आई बैग्स हैं वो हट जाते हैं, तो काजल बहुत अच्छे से रहता है। और गाइस सी, मैनी कंपनी क्लेम्स मैनी थिंग्स, लाइक दे आर सेइंग कि ये काजल जो है ये स्मज प्रूफ है, बट इट इज़ नॉट एक्चुअली द थिंग गाइस। काजल ऐसी चीज़ है जो स्मज होती ही होती है, मतलब उसको प्रॉपरली अगर आप लगाओ तो ठीक है, या तो फिर दिस सम प्रोसेसेस अगर आप प्रॉपर हैक्स वगैरह कर रहे हो तो ही वो स्मज नहीं होता, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। और स्मज तो होता ही है गाइज, लाइक आई डोंट नो व्हाई कंपनी क्लेम्स ऑल दैट थिंग्स, बट इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल अप टू देम। अगर कर रहे हो तो यू शुड नो हाउ परफेक्टली टू अप्लाई काजल, और ये सब कर लो तो इट्स गुड टू गो, योर काजल विल नॉट गेट स्मज। आई होप यू लाइक द वीडियो, मतलब बहुत ही इजी स्टेप्स एंड आई डू गाइज, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यू ऑल, क्योंकि वर्क भी करता है, सो यू कैन सी द रिजल्ट राइट, मतलब कि कितनी इजीली अच्छे से ये हो गया है, स्मज भी नहीं हुआ है, बिल्कुल भी नहीं हुआ है। एंड
अच्छे से ब्लेंड भी हो गया इनर लाइन वाटर लाइन पे एंड मैं दिस वाटर लाइन अच्छे से मैंने लगाया है, और जो भी स्टेप्स वगैरह मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया है कि आपको कैसे लगाना है कैसे नहीं लगाना, यू कैन डेफिनेटली डू दिस एंड बिकॉज आई डू दिस सो 100% रिजल्ट आई एक्सपीरियंस, तो इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप यू लाइक। ओके गाइस, आई एम एंडिंग ऑफ द वीडियो। आई होप यू लाइक इट। बी काइंड टू यू एंड टू अदर्स। अंटिल देन, सी यू ऑल। बाय बाय।